नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 7 मई है, साल के 5वें महीने का ये 7वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज ही के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन यानी कि 7 मई 1976 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला था, जिसे उन्होंने टेलीफोन का नाम दिया। ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन 7 मई 1861 को बांग्ला परिवार में हुआ था। भारत में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1880 के दशक में कविताओं की कई पुस्तकें प्रकाशित की। उन्होंने भारत ही नहीं बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी राष्ट्रगान लिखे। प्रोस्टेट कैंसर के चलते 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हो गया था। 7 मई 1663 में आज ही के दिन लंदन में रॉयल नाम का पहला थिएटर खुला था। इस थिएटर का नाम रॉयल रखा गया था। इस थिएटर को रॉयल डूरी नाम से भी जाना जाता था। यातायात के साधनों की नजर से आज की तारीख भारतीय इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 7 मई 1907 को मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन हुआ था। बिजली से चलने वाली ट्राम कारों ने घोड़ा चालित वाहनों के युग को खत्म कर दिया था। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का आज ही के दिन 2001 में निधन हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत लिखे थे। प्रेम धवन न केवल गीतकार थे बल्कि इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया और अभिनय भी किया। भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।